हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे प्रियल एम रीजनिंग के अंदर। तो आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, क्योंकि इस समय बहुत सारे बच्चे इस असमंजस में हैं कि क्या आरआरबी का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि नीट आईआईटी के एग्ज़ाम्स में भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो क्या ये एग्ज़ाम हो पाएगा? तो बहुत बच्चे अभी भी इस डर की वजह से पढ़ाई में उतनी रुचि नहीं लेके आ पा रहे हैं जितनी उनमें होनी चाहिए डेडिकेशन इस समय, क्योंकि एग्ज़ाम 12 सितंबर आपके आरआरबीपीयू की डेट है, उसके अकॉर्डिंग इस समय तो आपको जी जान से लग जाना चाहिए। पर आपके मन में एक डाउट सा है कि क्या सच में हो पाएगा, क्या एडमिट कार्ड आएगा। तो आप लोगों के लिए मैं एक बात बता दूं, आज ही इसीलिए मैंने आपको आज ही मैंने कॉल करके आईबीपीएस पे पूछा है, आप भी पूछ सकते हैं, वहाँ टोल फ्री नंबर अवेलेबल है, आप कॉल कीजिए। वहाँ पे कॉल करके ये बताया गया कि 31 अगस्त को आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। तो ये बात आप खुद भी पूछ सकते हैं, मैंने भी टोल फ्री नंबर पे कॉल करके पूछा है। तो इस चीज़ से ये बात क्लियर हो चुकी है कि आरआरबी का एग्ज़ाम 12 सितंबर को होके रहेगा। दूसरी बात ये भी है कि ट्रायल पे भी है, और एक और बात भी है, एक और चीज़ से ये मैंने कंफर्म किया कि सच में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। गुजरात में वो जहाँ पे एग्ज़ाम्स होते हैं, आयोन और आयोआई डिजिटल जो जोन्स होते हैं जहाँ पे एग्ज़ाम को करवाया जाता है, जो मेरे घर के पास जो एग्ज़ाम सेंटर जो पढ़ता है बाकी एग्ज़ाम्स के लिए, वहाँ भी मैंने उनको पूछ के आई थी। तो वहाँ पे एक नोन में है उनका बैंक में अकाउंट एक्चुअली, तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, हमारे पास शेड्यूल भी आ चुका है कि 12 सितंबर को हमें अरेंज करवाना है। कुछ उनके पास एक लिमिटेशंस भी आई है कि एग्ज़ाम किस तरीके से करवाना है। इस बार सेटअप कुछ ऐसा रहेगा कि भाई एक जना बैठेगा, फिर एक ब्लैक खाली रहेगा, फिर बैठेगा, फिर एक खाली रहेगा, इस टाइप से कुछ अरेंजमेंट के लिए बोला गया है। तो वो सब लोग इसमें लगे हुए हैं, तो आप लोग भी रेडी हो जाइए, देरी बिल्कुल मत कीजिए। एडमिट कार्ड आने के बाद और भी टेंशन बढ़ेगी, तो प्रिपेयर रहिए अपने इस चीज़ के लिए, क्योंकि नौकरी आपको पता ही है नेक्स्ट ईयर से सीईटी लगना है आपका। इस साल आपका बहुत अच्छा मौका है, कोई सीईटी नहीं है, नॉर्मल जो तैयारी कर रहे हो वैसे ही करनी है, अपनी पढ़ाई में जी जान लगा दीजिए बस। तो ये सोचना भूल जाइए कि एग्ज़ाम होना है नहीं होना है, एग्ज़ाम होगा, 31 अगस्त को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम सेंटर्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं सब कुछ होने वाला है। आईबीपीएस कभी डिले नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहेगा, ये मैंने इसीलिए बनाया वीडियो क्योंकि बहुत बच्चों के डाउट है। मैक्सिमम टाइम में मैं यही देखती हूँ कि बच्चे अभी भी यही सोच रहे हैं कि क्या एग्ज़ाम होगा, 110% होगा एग्ज़ाम, ठीक है। तो आई होप आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो उनके मन में अभी भी डाउट है कि क्या एग्ज़ाम हो पाएगा, जिससे कि वो लोग भी देखेंगे सच में एग्ज़ाम्स होने वाला है। तो ये बात तो फिक्स है हमारी, ठीक है। तो टेक केयर, बाय, आई होप आप सबको शेयर करेंगे, सभी दोस्तों में इन्फॉर्म कीजिएगा कि एग्ज़ाम होगा, ओके। तो टेक केयर, बाय।